एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि जैसे कि ईद आ रही है और ईद में गर्ल्स को क्रेज़ होता है कि जी हमें जो है ना अच्छी वैक्स बता दें। अच्छी वैक्स कौन सी है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंट वैक्स जैसे कि मार्केट में आ गई हैं, आपको पता है कि कौन कौन सी कैटेगरी में वैक्स आ गई हैं। तो हमें जी ऐसी वैक्स बताएं कि जिससे एक तो पेन बहुत ज़्यादा कम हो, मतलब हेयर ग्रोथ में कमी आए, और दूसरा तीसरा जो है ना, जब हम वैक्स करते हैं, वैक्स के बाद ज़्यादातर शिकायत ये आती हैं कि आफ्टर वैक्स जो है ना, किसी को इचिंग स्टार्ट हो जाती है, किसी को छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, किसी को एलर्जी हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, क्यों होती हैं, क्यों होती हैं? तो आज मैं सारा इस बारे में आपको गाइडलाइन दूंगी और डिटेल से बताऊंगी कि आपके लिए जो है वैक्स कौन सी बेहतर हो सकती है। तो आपने क्या करना है, मेरे साथ रहना है और वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करनी है। और जो लोग न्यू आ रहे हैं चैनल पर, काइंडली रिक्वेस्ट है उनसे सब्सक्राइब करें। ये जो रेड बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दें और हो जाएं सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो अपना जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गो। पहले मैं आपको बता दूं, जो कॉमन एक आम सी वैक्स हर कोई किसी भी शॉप पे कोई जाता है, या कोई गर्ल्स किसी भी शॉप पे जाती हैं, ज़्यादातर जो उनके सामने वैक्स रखी जाती है ना पाकिस्तान में, वो ये है कि लेमन वैक्स। ठीक है, उठा के ले आते हैं। याद रहे कि जो लेमन वैक्स है, ये वैक्स जो है, इस वैक्स को सिर्फ प्रोफेशनल बंदा कर सकता है। आम जिसको इतना पता नहीं होता, वो बंदा अगर खुद से वो वैक्स करने की ट्राई मारेगा, तो उसको यकीनी बात है कि उसको एलर्जी हो सकती है, उसकी स्किन पे सेंसिटिविटी हो सकती है, और उसको कोई भी प्रॉब्लम स्किन पे हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी में सबकी स्किन होती है, सबकी स्किन एक जैसी तो नहीं होती। ठीक है, तो ये जो हम मिस्टेक करते हैं, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, कि डिफरेंट ब्रांड के जो वैक्स आ रहे हैं, जैसे कि स्ट्रिप वैक्स जिसको हम कहते हैं, जैसे कि कॉमन सी बात है कि वीट वैक्स की आप बात कर लें, वीट वैक्स जो स्ट्रिप में होती है, तो उसको जब जी हम घर पे लेके आ गए, हमने कहा जी बहुत इजी जो है काम है, ये तो यूं 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 मिनटों में हो जाएगा। उसकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि जब हम उसको कट करते हैं या उसका एंगल सही नहीं करते, तो वो हम ख़राबी कर लेते हैं खुद से, क्योंकि उसके जो आपकी स्किन के हिसाब से, आपका स्किन पार्ट के हिसाब से, आपका जो बॉडी पार्ट है, कौन से एरिया में आपने लगानी है, करनी है, आपने लेग्स पे करनी है, आपने अंडर आर्म्स करनी है, या आपने फेस पे करनी है, तो ये हम मिस्टेक कर लेते हैं कि हमने जी देखा कि ये जस्ट वैक्स है, तो हम वो ऐसे ही, हमें पता नहीं होता, और हम वो जहाँ दिल कर रहा होता है कि कर रहे होते हैं, जैसे कि हम फेस पे भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि जैसे फेस थ्रेडिंग करते हैं, थ्रेडिंग के साथ क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और थ्रेडिंग के एंगल अगर ज़रा से भी आपके गलत होंगे, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर ब्राइडल के साथ होता है कि उसकी स्किन का सत्यानाश कर देती हैं, जब उसकी शादी को एक दिन रह जाता है, तो उसकी इस तरह से थ्रेडिंग एंगल उसके गलत गलत कर रही होती हैं, कि वो जिस वजह से उनको साइड इफेक्ट हो जाता है थ्रेड का। आप अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें, अगर थ्रेड पहले से यूज़ हुआ है, अगर सलोन में सफाई नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं, तो वो थ्रेड आपको पहले से यूज़ हुआ कर रही है, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इन चीज़ आपको जस्ट फेस पे वैक्स करनी है, तो उसके लिए जस्ट फिंगर वैक्स यूज़ करें, फिंगर वैक्स। ठीक है, जो कि दिखती है कुछ इस तरह से, नोट कर लें, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। फिंगर वैक्स बहुत ही अच्छी जा रही है, सलोन में यूज़ होती है। आप फेस की थ्रेडिंग करवाने जाएंगे, तो ज़्यादातर जो सलोन में, हाँ, जितनी भी सलोन वाली हैं, वो सब जो है ना फिंगर वैक्स ही आपके फेस पे करेंगे, क्योंकि फेस की जो हमारी स्किन है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, बहुत सेंसिटिव एरिया, तो इसके लिए जो है ना बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके इसका वैक्स करेंगे, तो बहुत अच्छा रह जाएगा। अगर हम हमारी ये कोशिश होती है कि हमने एक ही पैक सीधा लगाएं और बस खींच लें और बस जी हमारी वैक्स हो जाए, इस तरह वैक्स नहीं होती। इस तरह आपका नुकसान हो सकता है, आपको एक्ने हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सेंसिटिविटी हो सकती है। ठीक है, तो याद रहे कि फिंगर वैक्स जो है, ये आपको मैंने शो कर दी है, ये आप ले सकते हैं फेस के लिए। ठीक है, अब बारी हो जाती है कि प्राइवेट पार्ट के लिए सबसे बेस्ट वैक्स कौन सी है। ठीक है, डिफरेंट आ रही हैं, जैसे कि बीन्स वैक्स है, बीन्स वैक्स इतनी ज़्यादा छाई हुई है, इतनी छाई हुई है। अपना बीन्स वैक्स जो है ना, वो भी डिफरेंट काइंड में आ रही है। ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी की है ना, जैसे बड़े बड़े हाई सलोन में यूज़ की जा रही है, आपने देखा ही होगा कि वो बस ऐसे हल्की सी यूं लगाते हैं, एक लेयर पील ऑफ करते हैं, तो आप हैरान हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि कितनी अच्छे से वैक्स कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि कितनी सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा होता है उस टाइम जब वो वैक्स दिखा रहे होते हैं? ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि जब हम एक अपनी स्किन में से
फेशियल हेयर को रिमूव कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा उस टाइम एहतियात की ज़रूरत होती है, जैसे किसी की बॉडी का ऑपरेट करते वक्त एहतियात की ज़रूरत होती है, इसी तरह ये सारे जो है प्रोसीजर होते हैं कि इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। जितनी आप इन चीज़ों में एहतियात करेंगे और अपनी प्राइवेट चीज़ें रखेंगे, दूसरे से ज़रा केयरफुल होकर रहेंगे, ये नहीं एक ने वो यूज़ किया, दूसरे ने भी वो यूज़ की, तीसरे ने भी वो यूज़ कर लिया, तो वो सारा ना मिसमैचेस की वजह से भी आपकी स्किन पे, आपके बॉडी पार्ट्स पे प्रॉब्लम आ सकता है। अब जी प्राइवेट पार्ट की मैं बात कर रही थी कि प्राइवेट पार्ट में क्या करती हैं गर्ल्स, जो मुझे क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट पार्ट पे जो वो प्लास्टिक टाइप की होती है बीन्स वैक्स, जो कि दिखती है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं, इसमें अब कैटेगरी आ गई। अगर तो आपके पास अच्छी क्वालिटी है और आपको सारा तरीका आता है, ठीक है बिल्कुल, और आपको एंगल का पता है, फिर तो आपके लिए बेस्ट है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं और आपको इतना पता भी नहीं है कि किस तरह करनी है, और आप उन्हें उठा के ले आए, आपको इतना ये नहीं पता कि ये अच्छी चीज़ है या बस इसकी कॉपी है या फेक है, इस तरह की चीज़ों में से हम बस वो तो हल्की सी ऐसी लोकल शॉप से उठा के ले आते हैं, देखते हैं कि बीन्स वैक्स है, इसका हमने ऐड भी देखा था, तो वो हम उठा के ले आते हैं, जब हम करने लगते हैं, करने कैसे लगते हैं, जो गर्ल्स मिस्टेक करती हैं और यकीन माने कि बेड़ा गर्क कर लेती हैं, तो वो प्राइवेट पार्ट पे अगर उसकी छोटी सी लेयर लगानी है तो उसकी बड़ी लेयर लगा देंगी, फिर उसकी थिक एंड थिन लेयर का भी प्रॉब्लम उसमें आता है, ठीक है। अगर आपकी लेयर थिक है तो आपका वैक्स में बहुत प्रॉब्लम आएगा, अगर थिन है तो प्रॉब्लम आएगा, मीडियम किस तरह रखनी है, वो सारी ये सारी चीज़ें यकीन माने कि अकेडमीज़ बनी हैं बाहर, इतनी इतनी ज़्यादा अकेडमीज़ हैं इसकी, इसके सलोन है बड़े बड़े जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रोफेशनल लेवल पर लेके आया जाता है, जब जाके वो इस तरह की वैक्स करती हैं, और हम क्या करती हैं, बस शॉप से उठाई, पता है कि थोड़ा सा इसको हीट देना है और इस तरह हमने इस तरह लगाना है और हमने पील ऑफ करना है, फिर हमारी निकलती हैं चीखें और हम कहते हैं कि जी ओ ये क्या हो गया, ये वैक्स ही ख़राब थी, ये था वो था, तो इस तरह जो है ना आप ना किया करें, सुनी सुनाई बात पे अमल ना किया करें, आप थोड़ा एहतियात किया करें, अपने साथ प्यार किया करें। और मैं अब आपको बताऊँ कि सबसे जो बेस्ट आपके लिए, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं और आप घर पे रह के जो है खुद ही करना चाहते हैं वैक्स, और ऐसी वैक्स जिसकी आपके बॉडी में फेशियल हेयर जब आप वैक्स करेंगे, आफ्टर वैक्स आपको जो आपके हेयर्स हैं वो बहुत कम आएंगे और बारीक हो जाएंगे, ठीक है। पहले जैसे कि हेयर्स बारीक होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, इस तरह अगर आपके हेयर्स मोटे हैं तो वो बारीक लेयर में आएंगे, ठीक है, तो वो बारीक आएंगे। दूसरी बात ये कि ऐसा 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 करके अगर आप एक ही अपना एंगल रखते हैं और एक ही आप रेगुलर वैक्स एक ही यूज़ करते हैं, वैक्स को आप चेंज नहीं करते, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका स्लो 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 करके आपके जो फेशियल हेयर्स हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात की समझ इतनी तो आई गई होगी। अब मैं आपको वैक्स का नेम बता देती हूँ जो कि दिखती है कुछ इस तरह से, आप चेक कर सकते हैं, ये है जी वैक्स रीका वैक्स, जिसका आपने बहुत सुना भी होगा, शायद देखा भी होगा, लेकिन इस रीका वैक्स को अगर आप घर में ले आते हैं और वैक्स हीटर में इसको गर्म करना है, और आपने जैसे सारा तरीका वैक्स का होता है वैसे ही करना है, अगर इसमें थोड़ी सी आपसे मिस्टेक हो भी जाती है, कोई 19-20 का फ़र्क आ भी जाएगा, तो ये वाली वैक्स के साथ आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी, सेंसिटिविटी नहीं होगी और एलर्जी भी नहीं होगी। और याद रखें जो सबसे बड़ी हम लास्ट में मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम वैक्स को यूज़ करने के बाद आफ्टर वैक्स लोशन जो कि सूथिंग लोशन होता है वो हम यूज़ नहीं करते, जिस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास, क्योंकि जब वैक्स हम ख़रीदते हैं तो साथ या तो कंपनी जो है वो वैक्स आफ्टर वैक्स लोशन देती है, अगर नहीं देती तो आप अलहदा से उसको परचेज़ ज़रूर कर लिया करें और वो ज़रूर यूज़ किया करें। अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हो सकता है और पता नहीं क्या क्या हो सकता है, सेंसिटिविटी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, बड़ा कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल से आपको सारी बात समझ आ गई होगी। तो क्या करना है, अगर फेस के लिए आपको वैक्स चाहिए तो फिंगर वैक्स, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स के लिए अगर आपको वैक्स चाहिए तो आप रीका वैक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेमन वैक्स, ये वैक्स वो वैक्स को छोड़े दफ़ा करें, सबसे बेस्ट ये वैक्स जा रही है जो सैलून में यूज़ होती है और सैलून में की जाती है, नॉर्मल जो आम छोटे मोटे सैलून का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छे सैलून में रीका वैक्स ही यूज़ होती है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।